सो हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीएचडी में अगर आपको एडमिशन लेना है इंडिया की कुछ जो ब्रांडेड इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और डिम्ड लाइक यूनिवर्सिटी जो है, तो उसके अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं ये 19 की सेशन में, नहीं तो अगले जो भी आने वाले सेशन होगा, तो आप सबसे पहले एक मैं वेबसाइट बता रहा हूँ उस पर आप जाएँ। तो देखिए, ये वेबसाइट इंडियन गवर्नमेंट की है जिसका नाम है JGEEBILS। तो ये एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है पीएचडी के लिए, प्लस एमएससी के लिए भी होता है। और इस कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजिकल एंड इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है। तो इसके लिए आप कुछ यूनिवर्सिटी हैं इंडिया की, ठीक है, मैं आपको उसका नाम बताता हूँ, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं जस्ट यहाँ ncbs.res.in, ये एक इंस्टीट्यूट है इंडियन गवर्नमेंट की, जिसका नेम आपको होगा नेशनल फॉर जो भी है, मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, विथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और ये बायोलॉजिकल एरिया के लिए है, ये बनाया गया यूनिवर्सिटी है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो ऐसे ऐसे आपको 10-12 यूनिवर्सिटी है इंडिया में, जो सब सारे यूनिवर्सिटी को मिलाकर कॉमन एंट्रेंस होता है, और कुछ जो कोर्स है उसी के लिए, जैसे पीएचडी और इधर बायोलॉजिकल साइंस में जो एमएससी करना चाहते हैं उनके लिए। तो फ्रेंड, मैं आपको 1x1 करके आपको डिटेल में 10 मिनट के लगभग मैं वीडियो ये आपके लिए मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देख सकते क्योंकि उस पर ज़्यादा टाइम लग जाए, तो मैं चलिए शुरू करता हूँ आपको। देखिए, ये इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है, जॉइंट ग्रेजुएट इंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंस, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल साइंस यानी कि लाइफ साइंस के लिए एग्ज़ाम ये होता है, जिसके अंदर आपको लगभग 10-12 यूनिवर्सिटी है, आप इसको पढ़ सकते हैं ओपन करके इस वेबसाइट को। और इस पे कैसे ऑनलाइन अप्लाई होता है या कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आप देख सकते। देखिए, फर्स्ट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूट, ठीक है, जीएस 2019 बायोलॉजिकल, ये फेमस इंस्टीट्यूट है सारे, बट आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए एक इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो आइए मैं पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूट का नाम बताता हूँ, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, सॉरी, मुंबई। उसके बाद है आपको बोस इंस्टीट्यूट, ठीक है, बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता। उसके बाद सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद, ठीक है। आप देखिए, इस पर वेबसाइट दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके और जा सकते हैं उस वेबसाइट पे, उस यूनिवर्सिटी के नाम पे। फिर मैं आपको यहाँ पे कुछ और इंस्टीट्यूट, जैसे मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल लाइफ साइंस, ऐसे ये भी आपको एक ब्रांडेड इंस्टीट्यूट है मणिपाल का, प्राइवेट भी है गवर्नमेंट भी है, बट मणिपाल जो है आपको वो क्या बोलते हैं वो प्राइवेट ही है, बट वो डिम्ड है, तो इसलिए उसमें फीस नहीं लगता, ठीक है। फिर इधर और से हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत 10-15-20 लगभग लग रहा है ये। तो चलिए, मैं किसी एक पर चल के चलता हूँ और उस पर अगर देखता हूँ क्या है, तो मैं तो बोलूँगा चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये CCMBSRS, ठीक है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। अगर आप बायोटेक्नोलॉजिकल एरिया से है या बोटनी या जूलॉजी एरिया से है, तो ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं पीएचडी के लिए। नहीं तो अगर आप बायोलॉजिकल एरिया में कोई भी मेडिकल फील्ड भी है तो भी आप बैठ सकते हैं, बट मैं मेडिकल फील्ड वाले को लिए नहीं बोल सकता हूँ, ओनली एमएससी जो है बायोलॉजिकल एरिया उनके लिए मैं बोलूँगा।
तो ऐसे करके आप साइट पर जा सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। तो आपको मैं चलिए शुरू करता हूँ फिर से। देखिए यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, नहीं सॉरी ये इस पर लिंक, ये अच्छा लिंक नहीं। चलिए यहाँ से होम, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसीजर डाउनलोड सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर। तो सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर हम लोग देखते हैं सबसे पहले। देखिए बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर क्या है, जीएस 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो भी है 19 तक दिया हुआ है। आंसर की है ये, ठीक है। अच्छा बायोलॉजिकल क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम हो चुका है इसलिए यहाँ पर दिया है। प्लस फिर मैं यहाँ पे 18 की आंसर की दिया है पिछले ईयर का। तो ऐसे करके आप डिटेल में देख सकते हैं, आपको जो भी चाहिए वो जा सकते हो वहाँ पे। फिर मैं नेक्स्ट बता दूँगा आपको यहाँ से डाउनलोड पे। अब इसके अंदर कोर्स कौन कौन सा है हम लोग देखते हैं। तो कोर्स के लिए ब्राउचर डाउनलोड करते हैं इसका, JGEEBILS का। और ब्राउचर जो डाउनलोड मैंने किया, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल, सॉरी इसका ब्राउचर माफ़ कीजिएगा अभी आया नहीं। एप्लीकेशन प्रोसीजर हो सके यहाँ पे, हाँ इसमें डिम टू बी यूनिवर्सिटी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये यूनिवर्सिटी ही है। और इसके लिए आपको यहाँ पे माफ़ कीजिए थोड़ा सा, चलिए यहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर इसका ब्राउचर लेना है डायरेक्ट जिसमें सारे कोर्स हो। तो यहाँ पे लिखिए प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस अपने आप ही आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन एंड रिजल्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इंटरव्यूज, एक बार हम लोग इसको भी देख लेते हैं क्या है शॉर्टलिस्ट। अच्छा देखिए ये तो शॉर्टलिस्ट दे दिया है ऐसे, 19 का रिजल्ट निकाला हुआ है यहाँ पे पीएचडी की। तो आप यहाँ पे पीएचडी पे क्लिक करके, अच्छा पीएचडी वाले नाम है, फिर मैं आपको चलिए पीएचडी छोड़िए, यहाँ इंटीग्रेटेड पीएचडी तो ये भी नाम है। यहाँ ये रिजल्ट निकाल चुका है, एक्चुअली लग रहा है वो इसका ब्राउचर जो है अभी दिया नहीं है इसका। एक एडमिशन कैंडिडेट, ठीक है आइए यहाँ पे बायोलॉजी, ये भी इधर इधर मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। अब देखिए ब्राउचर तो नहीं है लेकिन इसमें कौन कौन सा इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है उसे क्लियर नेम विथ लोगो दे दिया है, मतलब कि आप ब्रांड देख सकते हैं आपके यहाँ पे, यहाँ पे। तो आइए हम लोग चलते सबसे पहले मणिपाल पे। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस मणिपाल, चलिए मैं बैक चलता हूँ। अगर आपको जो भी देखना है इस वेबसाइट पे आकर देख सकते हैं। अगर पीएचडी और एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आकर ले सकते हैं। ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और यहाँ तक कि कोई क्वेश्चन है तो आप कीजिए, मैं फिर से दोबारा एक वीडियो बनाऊँगा जिस पर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे आप लोग। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मुझसे कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किधर जाऊं, अभी वेबसाइट बहुत बड़ी है इसलिए मैं कहीं चारों तरफ इसमें घूमना नहीं चाहता हूं, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम से तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे, मैं उसका आंसर आधे से एक घंटे के अंदर में ज़रूर दूँगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।